रियलिटी शो में जोना के नाम है डांस संग्राम। आज पूरा हिंदुस्तान में ये भोजपुरिया डांसिंग शो के चर्चा बाटे। कहे कि गांव गली टोला मोहल्ला से आयली प्रतिभा लोग आज सबके दिल में राज कर रहल बा। पूरा हिंदुस्तान ए बात के मान ले बा कि ये भोजपुरिया डांसिंग शो में जोन प्रतिभा गांव से आयल बा वो लोग के जोड़ के हु नहीं खे। तो आई सबे हम आपके यो बता दें कि ई जोन आज इतना तारीफ मिल रहल बा, इतना इस शो आगे बढ़ रहल बा, एकरा पीछे कारण बाटे रउआ लोग के आशीर्वाद प्यार के। और हम चाहत नहीं कि अपन आशीर्वाद प्यार रउआ सबे ऐसा ही बना के रखी और हिम्मत बढ़ावत रही हमारा ये धुरंधर के। बस सीढ़ी बचल बा ओकरा बाद ए लोग के मिल जाई, यही में से कोनो एगो धुरंधर के मिली भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपर स्टार के खिताब। और फैसला करी है ऊ जेकरा उंगली पे नाचेला बॉलीवुड के स्टार होके चाहे सुपर स्टार। जी हाँ, हमारे मंच के महागुरु और हमार बड़की माई और अब बारी बाटे उनकर जोशीले टीम के कप्तान। जी हाँ, जेकरे अदा पे फिदा बा पूरा हिंदुस्तान, संभावना सेठ। जोरदार ताली से स्वागत करी सबे उनकर जेकरे रूप का चर्चा गली गली गांव गांव में बा, घर घर में जेकर जादू चलेला। जी हाँ, श्वेता तिवारी जी। पिछला शनिवार के शाम रहे बड़की माई के गीतन के नाम और ओह दिने श्वेता जी के जांबाज में से गौरी चैत्री जी हो गए लहली सुरक्षित और जोशीले टीम से हो गए लहले अविनाश बाबू सुरक्षित। बाकी बचल तीन योद्धा के आज ए मंच पे अपन दावेदारी पेश करे के बाटे। लेकिन चौने धुरंधर के परफॉर्मेंस रही सबसे मजेदार ओकरा के दिहल जाई मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। आई तनी देखल जाओ, हमनी के पूछल जाओ अपना दोनों कप्तान से कि कैसन तैयारी बा। श्वेता जी, बस मैं यही दुआ करूं कि आज कोई गड़बड़ ना हो और हम जितनी तैयारी के साथ आए हैं वो सारी की सारी तैयारी यहां पर वैसी की वैसी अम्मा को दिखे ताकि उन्हें पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके। जी दिनेश, तैयारी तो पूरी की है, अपनी पूरी मेहनत के साथ ये लोग परफॉर्म करेंगे। बाकी तो इन्हीं लोगों पे है, हम लोग पूरी मेहनत पहले कर सकते हैं लेकिन जो आखिरी मोमेंट पे स्टेज पर क्या होता है वो हम भी डिसाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो आज किसकी किस्मत में क्या है आने वाला वक्त बताएगा। ताई सबे चलल जाओ बड़की माई के लगे, बड़की माई गोल लगाता नहीं, जीते रही है। अब बड़की माई हम यो जानल चाहता नहीं कि आप सबसे पहले किकरा के अनुमति देहल चाहबे संग्राम के शुरुआत करे खातिर। ऐसा करते हैं जो सेफ हैं उन्हीं से शुरू करते हैं। बड़की माई उनकर नामो बता दी जेकरा से शुरुआत कर जाओ। अविनाश, जोरदार ताली से स्वागत जोशीले टीम से अविनाश दुबे। कहाँ वाली पगड़ी है ये? हमके लगा था राजस्थान का पगड़ी है। राजस्थान का पगड़ी है के बांध के का करत हुआ? एक बांध के तनी एक बार सोच ले रहनी कि गोविंदा जी के को गाना नहीं कहले बानी तो तनी गोविंदा जी का स्टाइल करे का कोशिश करी। इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की गोविंदा को लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सके। वो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं जानती हूँ उनका अच्छा बुरा, लेकिन आज बहुत आपका ऐसा ही ढीला परफॉर्मेंस लगा कि चलो नाच देते हैं कुछ भी।
वहां आपका दिल नहीं था कोशिश करना और घुसने की। बिल्कुल मैम। अविनाश भैया, बड़की माई बता दे ली हाँ, और तू अगर आज सुरक्षित हवा और सुरक्षित रहने के बाद सोचा तारा कि भैया आज कल बहुत ज्यादा मेहनत के लिए की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचा। काहे कि जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, वे बनी ये भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार, और ओकरे के मिली SSI बाइक। चला तब हमनी के अपना अगला योद्धा के बुलावल जी, और अब हम चाहब के अपन स्थान ग्रहण करा। आज फैसला हो जाए कि चार गो योद्धा हुआ जो पहुंच गई है अंतिम चार में, काहे कि ये चार लोगन के टक्कर देवे खातिर काल 11 गो नया खिलाड़ी आ रहा हुए। समझला लोग, 11 गो नया खिलाड़ी आवत हुआ तो उन लोग के टक्कर देवे खातिर काल। तो आज जे पहुंची अंतिम चार में वही के टक्कर काल हुई 11 नया खिलाड़ियन से, और अबही तब बाकी बाटे हमनी के आज दूसर की सुरक्षित योद्धा गौरी चैत्री जी के। हमनी के देखल इनकर शानदार परफॉर्मेंस, रउआ सब कहीं जाई मत, काहे कि उहर सपना जोना में बसेला प्राण, उहर सपना जोन भरेला उड़ान, उहर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। रउआ सब ए बात के अच्छी तरह जान ले बानी कि यह संग्राम में अब अग्नि परीक्षा के दौर शुरू हो गई बा, और हमनी के आ चुकल बाने पहिलका योद्धा जो सुरक्षित रहले हैं अविनाश बाबू। लेकिन अब बारी बाटे हमनी के श्वेता जी के जांबाज में से, तो आई सबे जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ गौरी चैत्री जी के। अविनाश बाबू के हम बतौनी है, तो हम तो होके बतावल चाहते हैं कि कोनो जरूरी ना कि ये जो बाइक मिले वाली है वो उन्हीं के मिल जाए या कोनो लड़के जीता है कि तू हूँ जीत सकेलू और चला भी सकेलू। कहाँ ऐसा ही बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, किक मरले की जरूरत है ना, खाली दबावा चालू हो जाए डर लेके भाग जा। जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, वह बनी है भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार, और ओकरे के दिहल जाए SSI की तरफ से एगो शानदार बाइक। अब आप तनी जानल जाओ कि वो बाइक लेवे लायक तू काम कैले हो कि ना। गौरी, इट वाज नॉट अप टू द मार्क, अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, इसमें बहुत कुछ और आ सकता था, लेकिन क्योंकि आप लोग सेफ हो जाते हैं तो आप लोग सब ढीले पड़ जाते हैं, वो मेहनत दिखती नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज का। पहली बात तो मेरी ये खुल गई थी, लेकिन मैंने बहुत इसको, मेरे को एक्सक्यूज नहीं पसंद, सॉरी मैम, क्योंकि ये हो गया, क्योंकि वो हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ, ये सब मत सुनाओ। ये आगे से पूरे ध्यान रखूंगी। तुम यहाँ आई हो जीतने के लिए, मरो या जियो कुछ मैं नहीं देखती, तुम काम क्या करते वो दिखाओ बस। जी ठीक है, तुम्हारा हमारा रिश्ता यहाँ इतना ही है। हर बार मजेदार वाली बात याद रहे, और भले सुरक्षित हो जा लेकिन कोशिश करा कि हर बार मजेदार परफॉर्मेंस हो के। तब हम बुलाइब अपना अगला योद्धा के, और हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करा। एक बात हम और बता दे चाहता नहीं कि काल है संग्राम में 11 गो नया योद्धा और आ रहा हुए, जोना योद्धा में से चार गो योद्धा के दोनों टीम में बांट देहल जाई, जोना में से कुछ योद्धा लोग के चेहरा हुए पुराना बाजोन, रुआ सबे मंच पे देख चुकल हैं और कुछ लोग नया बाटे। ताई सबे तनी जानल जाओ कि एकरा बारे में कप्तान लोग के का राय बा। संभावना जी, 11 गो नया खिलाड़ी काल आ रहा है मंच पे, रुआ का कहल चाह वो लोग के बारे में? बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ पुराने लोग भी हमारे वापस आएंगे, कुछ श्वेता की टीम से आएंगे, कुछ मेरी टीम से आएंगे, मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन आ रहा है, बट होप करती हूँ कि जिनको मैं चाह रही हूँ वो आएँ। और वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों की वापसी होगी इस मंच पर, जो एक बहुत ही छोटी शायद मिस्टेक के कारण जिनको बाहर होना पड़ा, उनका इस मंच में वापस आना भी बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। उनके लिए तो पहला एपिसोड होगा, लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं। अगर उन्होंने पहले एपिसोड की तरह शुरुआत की तो शायद वो बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे, तो उन्हें शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा, एक से नहीं बल्कि 100 से शुरुआत करना पड़ेगा ताकि वो 1000 तक पहुंच सके।
तो मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, मैं अपनी तरफ से उन्हें बेस्ट विशेस दे सकती हूँ बस। अगर उन लोग सब प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनका फर्ज है जो गलतियां इन लोगों ने की हैं वो ना करें, जो जो चीज़ की एडवाइस देते हैं मतलब उनको पहले से आगाह कर देते हैं कि ये काम मत करना और ऐसा करना वैसा करना, उन चीज़ों का अगर उन लोग ध्यान रखेंगे तो उन लोग जल्दी आउट नहीं होंगे। आज के घमासान भी बांटल गई बा दू चरण में, पहलका चरण सोलो राउंड और दूसरका रही डुएट राउंड। और पहलका चरण के नंबर तो हम बड़की माई से पूछ के बता देब, लेकिन दूसरका चरण के नंबर बताइब आखिर में। तो आई आज के घमासान के शुरुआत कैल जाओ और सबसे पहले चलल जाओ संभावना जी के लगे, जोशीले टीम से खिकरा के भेज रहल बाड़ी संभावना जी। सबसे पहले आज मैं भेजना चाहूंगी झारखंड रांची से आई मेरी प्यारी कोमल। संभावना जी के प्यारी कोमल के जोरदार ताली से स्वागत करी सभी। कोमल युद्ध कठिन हो गई बा और अंतिम चार में पहुंचे के ये आखिरी मौका है, कैसन तैयारी बतवार? सर तैयारी तो अच्छी की है, अब कोशिश भी पूरा है कि अंतिम चार में आऊंगी सर और आके दिखाऊंगी मैम वादा। हमनी के भी चाहता नहीं जा कि तू अंतिम चार में आवा और पूरा हिंदुस्तान इनके आशीर्वाद देव कि अपने मकसद में इनके कामयाबी मिलो। आई सबे देखल जाओ कोमल के तैयारी। भोर भई पन घट पे कोमल 23 एपिसोड से मंच पे तू अपन दावेदारी साबित कैले हो और ए मंच पे बनल हो, आज मौका बाटे अंतिम चार में पहुंचे के और एगो गलती एगो छोट सा चूक भी तो के ए मंच से जाए पे मजबूर कर सकेले। ई परफॉर्मेंस देले के बाद कैसन का तोहरे मन में चला था? सर मुझे लगता है मैंने जहां तक अच्छा किया सर। तावा पूछल जाओ श्वेता जी से। श्वेता जी कोमल जब आप उस शीट के नीचे थे, जब वहाँ नीचे आप परफॉर्म कर रहे थे और जब ये गाना शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ माइंड ब्लोइंग सा आने वाला है, कुछ नया होने वाला है स्टेज पे, लेकिन इतना कुछ खास बहुत हट के कुछ नहीं हुआ। फिर से वही बोलूँगी कि आप बीट कंप्लीट नहीं करती हैं, आप अपने स्टेप्स कंप्लीट नहीं करती हैं, जो आपने पिछली बार कर दिया आपका स्टाइल है, बट द स्टाइल इज रॉन्ग कोमल, यू हैव टू कंप्लीट। बैठ के जो आपने नी खोला था कंप्लीट नहीं किया, ये वाले जो किए वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तीन हिप वाला था वो आपने कंप्लीट नहीं किया, आप कंप्लीट नहीं करते हो। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम यू हैव, ओनली वन प्रॉब्लम यू हैव इज दैट यू डू नॉट कंप्लीट योर मूवमेंट्स, बाकी यू आर सच अ फैबुलस डांसर, बट ये प्रॉब्लम आप पता नहीं सुधार क्यों नहीं रहे हो। आज एलिमिनेशन राउंड है तो मैं अपनी बातों पे मैं ज़्यादा किसी पे भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप वाकई आज मास्टर जी से पूछें, बिकॉज हमारी किसी भी बात का जो कि हमें लगता है कि हो सकता है ये ठीक हो और वो ठीक नहीं हो तो वो उन पे भारी पड़ सकता है। तो आई थिंक विश्वरास्क मास्टर जी की क्या सही है और क्या गलत है? क्या है, फ्यूजन एक अलग चीज़ है, आपने बिल्कुल इंडियन को छुआ नहीं, सिर्फ हाथों से मुरली बता दी, उसको फ्यूजन नहीं बोलते हैं। फ्यूजन ये है कि तुम इक्वली दोनों चीज़ को इस्तेमाल करो। मैंने फ्यूजन नहीं मैम, मैंने जो निग्रोस करते हैं ना वो ऐसे वैसे होके वो मैंने किया था मैम। शायद मुझे नहीं मालूम मैम, मैंने निग्रोस स्टाइल किया था, शायद मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो वो फ्यूजन ही है क्योंकि हम उनकी ज़ात को लेके अपनी ज़ात के साथ मिला रहे हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी मिला रहे हैं तो वो फ्यूजन ही हुआ ना। वो चाहे नीग्रो का हो या यूके का हो या यूएस का हो, यू अंडरस्टैंड, आपने अपने इंडियन को नहीं छुआ। मैम मैंने इंडियन बिल्कुल नहीं करा मैम, मुझे पता है मैं मुझे ये रखना चाहिए था लेकिन ये वो मैंने किया ही नहीं क्योंकि वो स्टाइल ही नहीं था मैम। गारंटी? यस मैम। ओके
ट्राई एंड कम्प्लीट योर मूवमेंट्स. यस मैम. ओके. और पहिलका चरण के तुहार पहिलका प्रस्तुति रहला त हमनी के इहो जानल जाई कि बड़की माई तोहरा के कितना नंबर देली है. 36 out of 40. 36 नंबर मिलल हतो के 40 में. और अब हम चाहब के अपन स्थान जाएंगे. जीवन के संघर्ष दुर्ग के उहे तोड़ेला जे हर हाल में जीत के जुनून और उम्मीद रखेला. अब ए मंच पे टिकल इतना आसान नहीं खे काहे कि ए मंच पे जितना प्रतिभागी बचल हुए हर प्रतिभागी धुरंधर हुए योद्धा हुए महारथी हुए कहल जा सकेला कि डांस के महारथी हुए. काहे कि उहर सपना जौन में बसेला प्राण उहर सपना जौन भरेला उड़ान उहर सपना जौन होखेला चट्टान ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम. और अब आवे वाला जौन योद्धा हुआ श्वेता जी के जाबाज में से बस एक योद्धा बचल हुए रांची झारखंड के दीपू बाबू. दीपू भैया जी भैया 23 एपिसोड तक के मंच पे अपन दावेदारी कायम रखले हुआ और आज अगर एक चूक हो गई लेगो छोट सभी गलती हो गई तो ये मन छोड़े के पड़ जाई का चला था तोरा मन में. दिनेश भैया आज बहुत डर लगा था. दिनेश भैया डर लगा था लेकिन बड़की माई कहले हैं कि डरल जरूरी है जब डर के करेला तब्बे तू लोग बढ़िया करेला. भैया हमेशा की तरह बस इस बार भी कुछ अलग करने की कोशिश है लेकिन मैं कुछ करने कुछ बोलने से पहले आज सरोज मैम का पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहता हूँ क्योंकि आशीर्वाद का बहुत जरूरत है मुझे. मैम जा लेला भैया. दीपू भैया बोला भैया का हाल बा. अब ठीक हुआ भैया सब ठीक हुआ. पहले बड़ा डर लगा अब का लगा था. जो भी किया था प्रैक्टिस उसे तो कमी हुआ लेकिन पता नहीं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ. चला तू पूरा मेहनत कैला और हमनी के चलल जाओ सबसे पहले संभावना जी के लगे. दीपू कोई खास चीज थी इस एक्ट में कि आपने पट्टी बांध के किया मतलब कोई रीजन था कोई नई चीज बताना चाह रहे थे इसलिए किया या इस एक्ट में ऐसी कोई बात थी कि ये पट्टी लगा कर करना जरूरी था. मैम मुझे कुछ लोगों ने बोला दीपू जो तू आँख खोल के कर सकता है इसमें क्या खूबी है कि तू पट्टी लगा कर रहा है. मैम मैं उनको यही बोला कि यही तो मेरा चैलेंज है. मैम जो इंसान आँख खोल कर कर सकता है तो मैं आँख बंद करके भी कर सकता हूँ. पट्टी ने तुम्हें ना थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है परफॉर्मेंस पे. तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारे एफर्ट्स बहुत अच्छे दिखे स्टेज पे और तुम्हारा अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा. बहुत बेहतरीन रहा. दिनेश जी पहले तो मैं एक बात बता दूं शायद यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं कि पट्टी बांध कर डांस करना पट्टी लगा कर ब्लाइंड फोल्ड अपने आप में एक डांस है एक डांस फॉर्म है क्योंकि पट्टी लगाने के बाद सेंटर मेंटेन करना सामने आना चक्कर लेके करना इनका जो वो धुनी वाला जो ये डांस है ये बंगाल का एक डांस है उसमें धुनी डाल के करते हैं ये बिना पट्टी के बहुत अच्छा करते हैं. पट्टी लगाते ही ना वो कई बार वो मुंह पे आ जाता था तो मुझे डर था कि जब वो वहाँ पर आग का वो चिंगारी रखेगा तो मुंह पे ना गिर जाए. सब ने बोला कि पट्टी मत बांध तू अच्छा कर रहा है सेंटर में ही नहीं आएगा तो बोलता है मुझे करना ही यही फॉर्म है मुझे यही करना है मैं यही करना चाहता हूँ और मैं पट्टी बांधूंगा जो भी हो जाए मैं पट्टी बांध के करना चाहता हूँ बिकॉज ये मैं ये फॉर्म करना चाहता हूँ ब्लाइंड फोल्ड फॉर्म करना चाहता हूँ. आपने भी देखा आई थिंक अब अम्मा कहेगी जो कहेगी बस आई थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. नहीं ये सही है ये एक फॉर्म आता है डांस का लोग मन्नत के खातिर भी करते हैं ब्लाइंड फोल्ड डांस करते हैं जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं वो करना चाहते हैं. वैसा दीपू ने बहुत अच्छा नाचा है बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच मैम. दोन बारी आपने बहुत अच्छा नाचा है लाइट हार्टेड डोंट वरी. ओके अपने पे कॉन्फिडेंस रखो. पूछल जा बड़की माई से वो करीबी बात भी कि नंबर कितना मिला दीपू बाबू के. फुल 40. 40 में 40.
और अब बड़की माई जब दे देली तोरा के 40 में 40 तो हम एगो चीज याद आ गई हमके, कराल बी कराल गाल लक्क महाकाल का महिपाल भूप कांप उठे लाल लाल नैन से, प्रचंडिनी अखंडिनी के पास लाए अश्विनी तेजस्विनी को दे दिए तुरंत भूप चैन से, मुष्टिका को खींच भींच देगी दाई बागडोर, उड़ चलेगी आसमा को अश्विनी कुबैन से, पाई बागडोर जोर शोर से धारा की ओर वार खाए खाए घुड़सवार को कुबैन से। हौसला के बढ़ोले रखा अपने मन में सपना के सजौले रखा, जिंदगी तो इम्तिहान लेबे करेले हो भैया लेकिन आशा के दीप के जलौले रखा। तो आवा हमनी के चलल जाओ आज संभावना जी जोशीले टीम के आत्मजीत बाबू के तैयारी के संवाद। थोड़ा सा आत्मजीत पे भी आज प्रेशर है कि जब आप सबके फेवरेट हो जाते हो तो सबसे पहला प्रेशर आप पे आता है कि हमें अपने आप को अब प्रूफ करके दिखाना है कि अगर मैं फेवरेट हूँ तो किसी कारण से हूँ। तो आज वो प्रूव करने के लिए मैं भी जानती हूँ कि आत्मजीत को काफ़ी टेंशन है, बट आई एम श्योर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और ये बताने में सबको कि वाकई ये मास्टर जी का फेवरेट क्यों है, ये सफल रहेगा। जोरदार ताली से स्वागत करें सभी आत्मजीत बाबू के। अब तक तो तुहू के पता चलिए गई लोही कि आज यह मंच पे जोन कठिन युद्ध चल रहा बा एमे अगर छोट सा भी गलती हो गई तो आज ही मंच के छोड़े के पड़ी, वो इतना दूर तक अला के बाद। अगर आज मैं एलिमिनेट होता हूँ तो मुझे ये खुशी है कि मैंने यहाँ तक पहुँच के कुछ खोया नहीं है, बहुत कुछ पाया है। अब यहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा तो सभी की है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस मैं ऐसी दूंगा आज कि लगेगा कि हाँ आज अगर कोई भी गाज ऊपर गिरता है तो उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा और आज सेफ हो जाऊं। आज चक्रव्यूह के तोड़ल इतना आसान नहीं खेले लेकिन एकरा के तोड़े खातिर के तैयार हुए आत्मजीत बाबू। और अब हम चाहब कि आत्मजीत बाबू अपन तैयारी दिखा दा।